अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस दियां आप सब नूं बहुत सारियां मुबारकां। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दे मौके ते बागा पुराणा विखे नगर निवासियां वल्लों इस दिन नूं बहुत ही उत्साह दे नाल मनाया गया। मोगा दे मैडम अनमोल इत्थे पहुंचे। मैडम अनमोल जो कि पिछले लंबे समय तो योग दे नाल जुड़े हुए ने ते लोकां नूं योग दे नाल जोड़ भी रहे ने, इस दे फायदे लोकां नूं दसदे ने ते लोकां नूं योग करन लई उत्साहित भी करदे ने, वी पहुंचे। इस मौके दे उपर बलविंदर सिंह जी का 73वां जन्मदिन बनाया गया। इस मौके केक भी कटिया गया। आओ वेखदे हां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दे मौके ते बागा पुराणा नागरिकां वल्लों मनाए इस दिन दियां कुछ झलकियां। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੋਗਾ ਟੀਮ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਹੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗੇਗਾ ਜਵਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗੇਗਾ ਜਵਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਈਏ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗੇਗਾ ਸੌਗਾਤ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰ, ਕੀ ਹਸੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰ, ਕਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੈਕਬੋਨ ਹੋ ਇਸ ਯੋਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਯੋਗ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਆਏ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ
अनमोल जी का धन्यवाद करना चाहनी हाँ जिन्होंने इतने आके सानू अपने विचार दसे सानू योग बारे नॉलेज दसी। बाकी ये भी इन्हों की ड्यूटी सब दी मतलब जिवें 50 प्लस तो है बट सा अपने जीरो तो लैके मतलब 18 प्लस तक के बच्चों पंजाब को एजुकेशन सीनियर सैकेंडरी स्कूल असी अपना योगा कैंप लगा रहे हैं। अज असी इस तो बाद इस चीज़ की भी सानू जल्दी है कि असी इस तो बाद अपने पंजाब को एजुकेशन सीनियर सैकेंडरी स्कूल 7th इंटरनेशनल डे नू सैलीब्रेट करना है। असी अपने बच्चों नू भी मतलब नर्सरी क्लास तो लैके प्लस टू तक के बच्चों नू भी अज के यंगस्टर नू भी मोबाइलों चो बाहर कढ़न की खातर असी उन्हां नू मतलब यही एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अपनी जो हैल्थ इज़ वैल्थ जो अपनी सेहत है तो सारा कुछ है क्योंकि अजकल के बच्चे ही चंगे नेता बन गए अगे वे हो के असी उन्हां नू यही अपील करते हैं कि अजकल के मोबाइल के विचों निकल के अपनी हैल्थ नू ध्यान दें। थैंक यू भाई बलविंदर जी जिस तरीके 73rd जो है सैलीब्रेशन अज हुई है कि फीलिंग की उस टाइम के उत्ते और योगा बारे की कहना चाहते मैं योगा बारे यो है कि सब तो पहला जो मैं तकरीबन मेरी उम्र 54 साल की सी मैं उदो एक भयानक बीमारी लग गई शूगर की जो शूगर की बीमारी लगी मैं बहुत घबरा गया क्योंकि शूगर के जो रिजल्ट है वेखी दे लोगों में किसी का पैर वड्या जाता किसी हाथ वड्या जाता है। उस तो बाद मैं मेरे कुछ दोस्तों ने दसाया कि तुम योगा वगैरह करा करो मैं तकरीबन सैर शुरू करती उस तो बाद योगा शुरू कर दिता योगा के नाल यह होया कि उदों तों लैके अज तक मैं किसी दवाई की लोड़ नहीं पी मेरा जो शुगर लैवल है उस कहते नॉर्मली रहता सो मैं ना तो दवाइया तो बचा ना मेरे भैन भरावान मेरा मेल मिलाप हो जाता सुबह जो आई दा है मैं बड़ी खुशी है मेरे बहुत ही सत्कारयोग साढ़े टोनी जी जे इत आ गए वह भी साढ़े योगा कराते हैं तो विजय शर्मा जी वो तो मेरा कल मैं उन्होंने देने नहीं दे सकता बाकी साढ़े गुंबर साहब है ये भी साढ़े हैड है ये भी साढ़े जाने योगा कराते हैं तो मैं बहुत ही जाने आपके दिलों तनों मनो आदा करना है तो जिन्ना भी टाइम होगा चलाई दा क्योंकि योगा के नाल साढ़े जो पुराने ऋषि मुनि सके वो योग ही करते क्योंकि उन्होंने जंगलों के कोई डॉक्टर नहीं कोई कुछ नहीं कुछ उन्होंने कोई साधन नहीं सिर्फ वो बीमारियों तो बचने के खातर एक योगा का उन्होंने साधन किया सानू योगा के नाल बहुत कुछ मिलया। मैं सारो यही कहांगा कि जो भी जनरेशन जी नवी हैगी है क्योंकि अज कल ये है वेखी दा भी जो असी सैर करके जाने जो योगा करके आने बच्चे साढ़े सुते पै जाते असी बच्चों को कहता भी ये तुम जे हमने तो योगा अपनाओ ता कि आप बीमारियों तो बच सकते। और मैं बड़ी खुशी है कि लेडीज़ जी अगे आ रही ने अज समाज में जरूरत है देश में भी जरूरत है इन्ने वर्गे एक्टिविस्ट की क्योंकि कई बार देखा गया कि शरीफ व्यक्ति अगे नहीं आता तो हर एक अगे आना चाहिए मैं शब्द योगा तो हट के कह रहा क्योंकि अजकल योग सानू आपदे वास्ते नहीं करना चाहिए असी आपदे वास्ते हेल्थ बनावे तो स्वार्थी हाँ आपदी सेहत बना के सानू समाज का और देश का विषय भी उठाना चाहिए ताकि समाज और देश साडा सब तो अगे बढ़ सके और लोगों नू जागृति आ सके तो वह किस तरह आ सकती है जो असी योग करते हैं साड़ी मैंटलिटी चेंज होंगी है साड़ी मैंटलिटी पॉजिटिव होंगी है तो साढ़े अंदर अच्छे विचार आते हैं अच्छे विचार आने नाल ही असी समाज की सेवा कर सकांगे। उस दे वास्ते मैं अनमोल जी का विशेष धन्यवाद करदा कि जिन्होंने सानू अज समय दिता इन्हों का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद इन्हां दी टीम का भी धन्यवाद असी अगे तो भी चाहवांगे कि अनमोल जी सानू अपना मौका देन ताकि असी समाज के अंदर जो कुरीतियां है जो कमजोरियां उन्हें दूर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी मैं जितेंद्र कौर अनमोल योग शर्मा रजिस्टर योगा दे नाल जुड़ी हुई हैं 2 साल हो गए जुड़िया बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ टीचर मेरे को कभी कभी नहीं भी जाया जाता बट मैडम दे योग कराने का जिहड़ा ढंग है कि हर योग क्रिया दे नाल उहदे नैगेटिव ते पॉजिटिव पॉइंट दसे जाते हैं उहदे नाल मैनूं कदे भी घरे करन च मुश्किल नहीं आई। मेरा एक्सीडेंट हो गया सी जिहदे नाल काफ़ी प्रॉब्लम सी ते थैंक टू मैम जिन्हां ने 1-2 दिन दे विच ही मेरी जिहड़ी प्रॉब्लम सी जिहड़ी 3 महीनों तो मैनूं औखा कर रही सी ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਾੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋਨੀਆ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਮੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ
मैनू भी योगा च कोई खास इंट्रस्ट नहीं सी। मैं एक शिविर ते मैम नाल मिली, मैम ने इन्ने वधिया तरीके नाल करवाया कि मेरा खुद दा इन्ना इंट्रस्ट बनिया कि मैम मैनू हर जगह ते अग्गे करना, कि हर सोशल एक्टिविटीज अग्गे करना कि तू कर। मेरे च फ्लैक्सीबिलिटी आन दा एक कारण मैम ही है, सब तो वड्डा कारण ही मैम है, क्योंकि मैम ने मैनू इन्ना ट्रेन किया है ना, तो मैनू इत्थों तक लैके आया। मैं सिर्फ मुस्कान है। असी रोज योगा करते हैं, सुबह भी करीदा और इवनिंग टाइम भी असी योग करते हैं। जे अगर दिन च तुसी दो टाइम योग करोगे तो तुसी नैचुरली फिट रहोगे और कोविड जिहड़ा कि इन्ना मतलब कि भयंकर समा चल रहा वा, इस तो भी दूर रहोगे, क्योंकि इस दे तत्त मिल नहीं रहे सानू असी किस तरह इहदी लड़ाई लड़िए। तो इस तो बचण लई जे असी रूटीन च योगा करांगे मॉर्निंग इवनिंग टाइम, तो मैनू लगता कि सानू शायद असी इन बीमारियों तो दूर रहांगे, इसलिए सानू योगा करना चाहिए। थैंक यू। हम भी अगर होते बच्चे नाम बबलू बबलू खाते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो जी, मैं कुलवंत अरोड़ा जी ने बेनती कर रहा कि उन्होंने मुंह मिठा कराओ। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नु असीं फॉलो करदे हुए असीं इत्थे इंस्ट्रक्शन दा ध्यान रखिया, उन्हां दी परमिशन नाल असीं इत्थे योगा डे सेलिब्रेट कीता। और मैनूं इह लगदा कि लोकां नूं बहुत सी प्रॉब्लम्स लॉकडाउन दे दौरान जां कोविड-19 दे कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुईआं, जिहड़ा असीं कहिंदे कि लोग नित नेम दी रूटीन दे विच अपनी योगा दा डेली अपनान और अपने आप नूं फिट रखन। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਖਿਲੇ ਚਿਹਰੇ 73 ਈਅਰਸ ਏਜ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ 60+ ਲੋਕ ਸੀ 70+ ਲੋਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਕਪਾਲ ਬਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਯੋਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ
है बहुत करा। अज तो जो मैं 10-12 साल पिछे देखा बहुत रेयर सी मोगा विच भी किते किते कोई योगा करता से कोई कभी क्लास मसा सी किते। और अज ये है कि हर एक पार्क दे विच तुसी देखोगे हर कोई योग करवा रहा, चाहे उन्हें थोड़ा आंदा है ज़्यादा आंदा है वार्म अप आंदा है कुछ भी, और हर कोई करवा रहा। और लोग अपनी बॉडी लिए अपने लिए अवेयर हुए, सब तो वड्डी गल है, क्योंकि देखो तंदुरुस्ती है तो संसार है, खुशियां भी ताइया जे तुसी फिट हो। और जे तुसी मान लो तुहाडे कोल सारे कुछ सुख साधन है पर उहदा तुसी लुत्फ कदों उठाओगे जे तुसी फिट हो। इसलिए तुहानू अपनी डेली रूटीन दे विच योगा अपनाउणा चाहीदा। और कोविड-19 दा जिहड़ा एपिडेमिक सीगा जिहदे विच जिहड़े योग वाले लोग सीगे उहनां दी इम्यूनिटी फिर भी हाई रही, और उहदे नाल मेंटैलिटी, क्योंकि उहनां दी पॉजिटिव मेंटैलिटी सीगी, दोनों चीज़ों ने बड़ा वधिया जिहड़ा रोल अदा कीता। बिल्कुल बहुत अच्छा रोल अदा कीता। और मैं चाहांगी लोग हर एक रूटीन दे विच योग करन। और मैनू अज इत्थे आके खुशी मिली है, पहले मैनू यही लगदा सी सिर्फ मोगा विच ही है, पर मोगा तो जदों बागा पुराना दा पता चलिया कि इत्थे लोग इन्ने अवेयर है, मैनू सब तो वड्डी खुशी यह हुई कि भी हाँ लोग जुड़ते हैं योग करते हैं, क्योंकि योग ग्रुप साधना जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिंदी है। इकल्ले मन कितें कहीं नहीं लगता, क्योंकि जो आप शुरुआत करते हैं बिगनिंग होंगी है योग की, कई बार लोग रूटीन च नहीं कर पाते, पर ग्रुप साधना का रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और मैं जिस तरह इन्होंने पहला सवाल किया सी मेरा आंसर बिच रह गया भी, जी मैंने कहा फिर आते रहेंगे, असं जरूर आते रहेंगे। और जो मोगा विच असं फैला चुके हैं योग में, हूँ बारी बागा पुराना की है, और असं बहुत टाइम से इस पार्क के बागा पुराना विखे जिहड़ा ये साडा योग सेवा सबती बागा पुराना विखे चल रही है, उहदे वल्लों असी अपने वल्लों योगिक क्रियावां छोटी छोटियां क्रियावां, सानू बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है योग की, लेकिन फिर भी असी लगातार करते आ रहे हैं कई सालों तो, और साडे विच तकरीबन अबव 50 ईयरस ने। अज जिस तरह 73 साल के साडे बलविंदर जी का असी बर्थडे मनाया, इस तरह असी अपने मन की खुशी है योग के विचों लभदे हैं। तो सानू जो सोशल मीडिया से मैडम अनमोल शर्मा जी का इन्हों के बारे पता चलिया कि योग के बारे बहुत एक्सपर्ट है, जानकारी है इन्हों, असी इन्हों कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने अपने सारे रुझेवे छड़ के, बल्कि अज का इन्हों का दिन शायद हो सकता मैं समझा ये बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए अलग अलग अपने जोड़े प्रोग्रामा दे, लेकिन वो सू समा दिता, मैं इन्हों का भी धन्यवाद करदा, और साढ़े सारे सहयोगी जिन्होंने रल के इस सारे निपुण करने नेपरे चाड़न सहयोग किया, मैं सारे का धन्यवाद करदा। और सारे यही अपील करदा कि ये जिहड़ा योगा डे अज का सिर्फ एक दिन वास्ते नहीं, इसनों रोजाना अपने जीवन के धारना अपने रोजाना जीवन में लैके आना, कोई जरूरी नहीं साढ़े को बहुत ज़्यादा टफ तरीके व्डे कोई आसन करके बहुत अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के असी उस योग किया जा सकता है।